हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से हम कोडिनेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो इसका फीचर्स है वो उसमें क्या है और किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में हमने बताया था, तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट हमारा क्या क्या है। तो रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपको कोड एडिटर आपके पास एक होना चाहिए जहाँ पे आप अपना कोड लिख सको, चाहे वो आपकी इच्छा के ऊपर है, चाहे आपके पास ब्रैकेट्स हो, चाहे आपके पास सबलाइन हो या आपके पास नोटपैड हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वही रख लीजिए। लेकिन आपको एक चाहिए, मतलब किसी ने मतलब कोडिंग करने के लिए कोई ना कोई आपके पास एक कोड एडिटर होना ज़रूरत है, यानी कि ये होना ही चाहिए, तभी जाके आप अपना कोडिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि लोकल सर्वर, जिसे हम अपने कंप्यूटर भाषा में आप लोकल होस्ट भी बोल सकते हैं, ये भी ज़रूरत है आपके पास। चाहे आपके पास हो जंप हो, जो मैं यूज़ करता हूँ, चाहे आपके पास मंप हो, चाहे आपके पास लंप हो या कोई और हो, जो भी हो, लेकिन आपके पास एक सर्वर ज़रूरत है और एक आपके पास कोड एडिटर जहाँ पे आप अपना कोड लिख सको। तो ये दो था हमारा रिक्वायरमेंट, ये हमें होना ही चाहिए हमारे पास। इसके बाद में जो हमने लास्ट वीडियो में डाउनलोड किया था, आपका डाउनलोड किया हुआ पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन मैंने जो डाउनलोड किया था मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे आप देख खोज सकते हैं अपना कहाँ पे है। मैंने पहले से खोज के जो अपना खोजने के बाद में क्या करेंगे कि अपना जो सर्वर है ये पहले, तो जब आप देखेंगे ना तो आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये मैं बाकायदा आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे सर, जब सर्च करेंगे, आप सर्च करना है आपको जंप, इंटर करिए। अच्छा, स्पेलिंग क्या हो गया, SAMM। देखिए वहाँ पे है ना, यहाँ पे जंप है ना, इसे डबल क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में ये खुल जाएगा, जब आप अगर आपके पास डाउनलोड किया है तभी ये मिलेगा, अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो नहीं मिलेगा फिर। तो देखिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, सिंपली अपना कोड एडिटर कोई भी जो आपके पास हो, मेरे पास ब्रैकेट है, मैं इसे देख लेता हूँ। और दूसरा बात क्या है आपको जानने के लिए कि आपने डाउनलोड किया है कि नहीं, आप सिंपली क्या करेंगे, अपने सी ड्राइव में जाएंगे। अब यहाँ पे जंप देखिए आपको दिखाई देगा, आप यहाँ अगर आपको जंप दिखाई दिया इसका मतलब कि आपने डाउनलोड कर लिया है, आपने इंस्टॉल कर लिया। अगर आपने इंस्टॉल नहीं करेंगे आप, तो आपके पास ये जंप दिखाई नहीं देगा। तो चलिए मेरे पास है, मैं इसको कॉपी कर लिया, मतलब इसके अंदर गया, देखिए HDDOC है, इसके अंदर गया। तो मैं यहाँ पे पहले से जो मैंने डाउनलोड किया था कोडिनेटर का, तो यहाँ पे इसे पेस्ट करके इसे अनजिप कर लिया हूँ। तो ये है मेरा, इसको मैंने क्या किया है, अनजिप कर लिया है। तो यही हमारा इसकी एप्लीकेशन जो है ना, इसी के अंदर हमारा सारा एप्लीकेशन होगा PHP का, यानी कि जो हम लिखना चाहते हैं कोड एडिटर में वो सारा कुछ क्या होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब चलिए आप थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। जब अपना ये स्टार्ट करेंगे आप, तो आप यहाँ पे आएंगे और सिंपली आप लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद लिखेंगे अपने फाइल का नाम। मैं देखता हूँ कि मेरा फाइल का नाम मिस्टेक ना हो जाए। तो आप अपने क्या करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, छोटा करते हैं इसको। देखिए जंप के अंदर क्या है, एप्लीकेशन नहीं लिखना आपको, ये लिखना है जो इस मेन फाइल का नाम हो। देखिए मेन फाइल का नाम क्या है, कोडिनेटर। तो आप लिखिए कोडिनेटर, देखिए कोडिनेटर आ गया, उसके अंदर आप इंटर कर लीजिए। ये देखिए कि मतलब क्या है कि मेरा काम जो यहाँ पे डाउनलोड मैंने किया था वो मतलब यहाँ पे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो भी अभी तक डाउनलोड किया, अभी तक मेरा सारा कुछ बहुत बेस्ट है और सारा कुछ काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा चेक करने के लिए कि मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं। चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे ओपन कर लेते हैं अपने सबलाइन पे, यानी कि अपने ब्रैकेट पे। मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको ओपन करना आता ही होगा। अपने जंप के अंदर जाएंगे, यहाँ पर है ये, इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ओपन हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ना, इसको आप यहाँ पर क्लिक करें एक बार, तो देखिए ये सारा हमारे पास आ गया है। देखिए एक कंट्रोलर है, जो मैंने आपको बताया था मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है और ये है मॉडल है और ये व्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे सारा HTML का पार्ट, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए सारा HTML है। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद जानते होंगे यार सारा कुछ, अगर नहीं जानते तो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हम जो करने वाले हैं सारा बूटस्ट्रैप के साथ करेंगे,
वो चीज़ आपके साथ इस्तेमाल करेंगे, वो अच्छा लगेगा मुझे, अच्छा भी होगा तो होता है थोड़ा, उसका फ्यूचर अच्छा है। मॉडल पे जाइए, देखिए यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, दिस सेलेक्ट आल फ्रॉम स्टूडेंट, आपको ये सारा समझाऊंगा आराम आराम से, परेशान की जरूरत नहीं है। ये हो गया मॉडल का, और जो कंट्रोलर है आप यहाँ पे देखिए इंडेक्स या वेलकम को, ये देखिए इसने सारा क्या किया यहाँ पे कंट्रोल किया है, तो इस तरीके से ये काम करता है हमारा कोऑर्डिनेटर। तो कि किस तरीके से हम कोड लिखना है हमें अभी आपको जानने जरूरत नहीं है, अभी आप बस इतना ही जानिए कि ये कंट्रोलर यहाँ पे है, मॉडल यहाँ पे है और यहाँ पे है, अब किस तरीके से हमें अपना जंप को स्टार्ट करना है और अपनी फाइल को कहाँ पे लाके पेस्ट करना है, बस इतना जाने। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि किस तरीके से हम कोडिंग करना शुरू करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल लाइक और कमेंट करिए, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।